नाउ स्टूडेंट टेक आउट फॉर पेज नंबर 31 चैप्टर 14। ये भी अमेजिंग वाला पार्ट है, जिस तरह हमने डिस्कवरिंग बुक में 13, 14, 15 चैप्टर कंबाइन किया है अमेजिंग वाले पार्ट को, इसी तरह माय ऑब्जर्वेशन बुक में भी कंबाइन किया है। ओके, चैप्टर 14 देखिए आप। मैजिंग वेट, वजन को नापते हैं, कैसे नापते हैं, वजन को कैसे नापते हैं देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। वी मेजर, हम मेजर करते हैं, नापते हैं। हैवियर ऑब्जेक्ट, भारी वस्तुओं को, इन द यूनिट कॉल्ड, भारी वस्तुओं को नापने की यूनिट को क्या कहते हैं बताइए आप। जैसे आपको राइस तो लाइट होता है, बट राइस से हेवी होते हैं सैक ऑफ वीट, है ना, सैक ऑफ वीट, जो बोरे होते हैं, थैले होते हैं बड़े बड़े वीट के, उनको कैसे आप मेजर करोगे, किलोग्राम किसमें करेंगे हम, किलोग्राम में। राइस को भी अगर आपको मेजर करना है सैक ऑफ राइस, तो किलोग्राम में मेजर करेंगे। राइट डाउन किलोग्राम, के आई एल ओ जी आर ए एम एस, किलोग्राम्स। ओके, टू कन्वर्ट केजी इनटू मल्टीप्लाई बाय, हमें कन्वर्ट करना है केजी को, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। ओके, टू वेट ऑफ अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इज मेजर इन, आपको ब्रेड की स्लाइस को मेजर करना है, तो क्या आप किलोग्राम में करेंगे, नहीं हम ग्राम में करेंगे, ग्राम इसकी स्मॉल यूनिट होती है। ओके, 9900 ग्राम्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, 9 kg एंड 900 ग्राम के इक्वल होता है, अंडरस्टूड, क्योंकि 1 kg इक्वल क्या होता है, 1000 ग्राम। सो अंडरस्टूड, समझ में आया इसलिए आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ये सभी आपने अपने डिस्कवरिंग बुक में भी किया था, बहुत इजी है। राइट डाउन 1 kg इक्वल 1000 ग्राम, इट मींस जो राइट साइड में नंबर है, इट मींस 19 kg जो है, इसके आगे आपको 30 पुट करनी है, वेरी सिंपल, 19 × 1000 इजिकल टू 19000। हमारा आंसर क्या आता है, 19000